भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर चयन समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि धोनी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ही हम उनका विकल्प तलाशेंगे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवराज सिंह को आराम देने की स्थिति का स्पष्ट करने के बाद प्रसाद ने जब संवाददाताओं से धोनी के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं ईमानदारी से कहूंगा, चर्चाएं हर किसी के बारे में होती हैं। हम आने वाले वनडे मैचों में धोनी के प्रदर्शन पर नजर बनाए रखेंगे। एमएसके प्रसाद ने धोनी की तुलना महान टेनिस खिलाड़ी आगासी से करते हुए कहा कि आगासी का करियर 30 साल की उम्र में शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे खिताब अपने नाम किए थे। धोनी भी उम्रदराज खिलाड़ी हो गए हैं, लेकिन उनका खेल ही उन्हें अब आगे तक ले जाएगा। जैसे आगासी ने टेनिस में करके दिखाया था, भारतीय टीम के लिए कोई सुहाता विकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ से देखना दिलचस्प रहेगा कि वह आगे कितना और कब तक खेल पाते हैं। प्रसाद ने धोनी के विकल्प के तौर पर युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत की तरफ इशारा किया है। एमएसके प्रसाद ने कहा कि ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर हम नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में इंडिया ए के लिए उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम उन्हें भविष्य में और भी मौके देना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या की तरह उन्हें पहले क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 में आजमाया जाएगा और उनके प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। हरपल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।